देखो भैया, मैं ऐसी बात बताऊं कि न तो मैं कोई ज्योतिषी हूं और न कोई भविष्यवक्ता हूं जी, लेकिन मैं तो सिर्फ अनुभव और अनुमान से कह सकता हूं जी। देखो बुरा नहीं मानना जी, बोलिए। कारण ये कि आप तुलना की दृष्टि से अगर कहते हो तो अनुमान तो मेरा 90 से अधिक जी, यानी 99% मोदी सरकार बनने का योग बन रहा है। अच्छा। अब क्यों बन रहा है? कि वो आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हुआ जी, और उसे तजुर्बा है। अच्छा। उसका उम्र और अनुभव है। अच्छा। अब आप राहुल जी की बात करते हो बार बार, तो राहुल जी तो उसके सामने एक बच्चा के बराबर है। अच्छा। अब उसको अनुभव तो है नहीं जी। अब उसकी सरकार बनाओगे तो देश को क्या खड्डे में डालोगे? क्या उसको मजदार में डुबोगे? नाराज मत होना। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, बिल्कुल राइट। और ऐसे ऐसे दुष्ट भी इस दुनिया में है जी, जो भारतवर्ष में ज्यादा है जी। जो एक रेल मंत्री बनाया, जो वो क्या नाम, लालू प्रसाद यादव जी, जो गायों का चारा खा गया। अच्छा। जो अभी बेचारा जेल के सलाखों में सड़ रहा है जी। अब वो हिंदू संस्कृति का होते हुए भी जब गौ माता का चारा खा सकता है, तो ऐसे नेताओं को देश में चुन करके या उनको ला करके तो क्या देश को पतन में ले जाना, डुबाना है क्या? नाराज मत होना। नहीं, नहीं। लालू प्रसाद मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर है तो हिंदू संस्कृति का है। हाँ। भारतवासी है। हाँ। तो उसको रेल मंत्री बनाया, उसको अपने देश के फायदे के लिए बनाया, तो उसने अपने पूरे घर परिवार को माला माल कर दिया। अच्छा। और देश को तो डुबाया कि नहीं डुबाया? नाराज मत होना। नहीं तो मैं मुझे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। वैसे मैं मुझे वैसे जीने का कोई मोह नहीं है जी। वैसे ही मैं तो मुनाफे में जी रहा हूँ। अच्छा। चाहे मुझे मार भी डालेंगे तो मैं तो नीति और न्याय और धर्म और कानून कायदे की बात करूंगा, इसलिए मुझे ऐसे सवाल ने मत पूछा करो। नहीं तो आप मोदी जी के फैन हो क्या? फैन नहीं तो मैं तो जो बात नीति की होगा, जो धर्म की होगा, न्याय की होगा, वो मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। अच्छा। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। पर मैं तो सत्य धर्म नीति और न्याय की बात करूंगा। अगर मुझे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि जो मोदी सरकार को नहीं चाहेगा, मोदी को वोट नहीं देगा, तो वो समझो अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से, सभी राज्य और जिले के लोगों को हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप मोदी सरकार को ही लाओगे कम से कम। अच्छा। इसको 10 साल का चांस तो दो यार, जबकि वो मनमोहन सिंह जैसे कोई अपने पिताजी का पट्टा हो, जो वो 10 साल तक बैठा रहा प्रधानमंत्री के पद पे और उसने देश को कोई डेवलप नहीं किया। नाराज मत होना। हाँ। हालांकि मैं कहता हूँ कि वो खाली सोनिया जी के बलबूते पर वो बैठा रहा। अच्छा। और खाली चुपचाप बैठा रहा, लेकिन कुछ देश का उसने भला नहीं किया। अच्छा। मेरे दृष्टिकोण में तो अब फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर ये 5 साल ये रह गया ये मोदी सरकार, तो देश माला माल हो जाएगा। देश माला माल, जो पैसे जो पहले भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी जी, वो पुनः एक भारतवर्ष ये सोने की चिड़िया बन के रहेगी। अच्छा। इसलिए मैं यही बार बार आपको निवेदन करूंगा कि आप राज्य और जिले में, पूरे देश में इसी प्रकार का अनाउंस करोगे। अच्छा। और एडवर्टाइज करोगे कि मोदी ही रहे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल तो उसको चांस दो, मेरी प्रार्थना है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको पुनः जिताना, पर 5 साल तो उसको और मौका दे। जय भारत।